हत्यारा पुलिस इनकाउंटर में पहले ही मारा गया है, दूसरा सूचना के हिसाब से गिरफ्तार हो चुका है। यह स्पष्ट है कि कोई अपराध करेगा तो ना वो बच पाएगा, ना छिप पाएगा, ना कोई उसे बचा पाएगा। यह पुलिस का जो कार्य है वो अपना कार्य किया है, लेकिन जो बच्चे बेसमय मारे गए हैं, अकारण मारे गए, उसका मुझे भी कष्ट है, पूरे प्रदेश को दुख है। और समाजवादी पार्टी जो उस पर राजनीति कर रही है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि सपा स्वयं अपराधियों और माफियाओं और दंगाइयों से सीधा रिश्ता रखने वाली पार्टी है और उसे बोलने का ऐसे मामलों में नैतिक अधिकार नहीं। देखिए, उन दिन भर मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, एक सूत्री कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी हों चाहे उनके अन्य कोई नेता पदाधिकारी हों, उनका एक सूत्री एजेंडा बन गया है। और इसका जवाब लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की जनता देगी, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। कोई भी एजेंसी, कोई भी जांच करने का काम अगर किया जा रहा है और उसमें कोई सवाल उठाता है, तो इसका मतलब है कि वह भारतीय संविधान के अनुसार जो एजेंसियां, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे कोई जांच एजेंसियां हो, उस पर सवाल उठा करके वह यह साबित कर चुके हैं कि पहले वह गलत करते थे और उनकी गलतियों की कोई जांच नहीं करता था। जांच केवल छोटे लोगों की होती थी, जो बड़े लोग होते थे उनकी जांच नहीं होती थी। आज छोटे बड़े का अंतर खत्म करके जो जांच है वो एकदम निष्पक्षता से जो भी दोषी उसके खिलाफ की जा रही है, और जो जांच में दोषी होता है उस पर कार्रवाई की जाती है। किसी को कोई शिकायत है तो नेतागिरी न करे, जाकर के उस एजेंसी के खिलाफ, न्यायालय उससे बड़ा स्थान है, वहां जाकर के बात करें। सोनिया गांधी की जा रही है ये एक चौतरफा हमला करते हुए उन्होंने बात कही कि कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास है प्रधानमंत्री। कांग्रेस तो ऐसे कमजोर है, मतलब ये बहाना खोज रहे हैं 2024 का रिजल्ट आने के बाद का, कि अगर वह चुनाव पूरी तरह से हारेंगे, जनता उन्हें नकारेगी, तो ये बहाना बनाएंगे। बाकी कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कौन है? भ्रष्टाचार की अम्मा है कांग्रेस। सर, एक आखिरी सवाल रहता है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ न की जाए, इस पर उनकी मंत्री आतिशी ने ये बात कही। पूरा देश उनके इस प्रकार के आचरण से हंस रहा है। 10-10 बार अगर किसी को कोई एजेंसी संबंध दे रही, तो यार गलत नहीं हो तो जा करके सामने प्रस्तुत हो जाओ और जाके बताओ कि भाई मैं गलत नहीं हूँ। अगर उनके कोई सवाल है तो जवाब दे दो, आप विद्वान हो इतने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुझे जेल भेज दिया जाएगा, पहले से ही माहौल बनाने का जो काम कर रहे हैं, अगर गलत किए होंगे तो जेल जाएंगे, और जेल जाने कि नौबत अगर नहीं आती है, वो जांच जवाब देने से एजेंसी संतुष्ट होती है, जांच एजेंसी, तो वहां बात खत्म हो जाएगी। और अगर जेल कोई भेजेगा तो जमानत देने वाले भी तो कोर्ट बैठी हुई है, वो डर क्यों रहे? वो डर रहे इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। उनकी मंत्री ने कहा है कि उनको चुनाव से प्रचार से रोकने के लिए वहां जेल भेजा जा रहा है। वो क्या प्रचार करेंगे? उत्तर प्रदेश में कहीं उनकी जमानत नहीं बचने वाली है, और देश के कहीं किसी हिस्से में उनका कहीं अता पता नहीं है। कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठा करके वह दिल्ली और पंजाब में आए जरूर हैं, लेकिन आ करके जितना भ्रष्टाचार किया है उसके कारण से उनके कितने मंत्री जे अभी तिहाड़ जेल में बंद पड़े हैं, और कितने मंत्री पंजाब की जेल में बंद पड़े हैं उनके, यह स्वयं स्वतः सब सामने आ चुका है।